नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रायसेन श्री कृष्ण गौशाला की अनियमितताओं के विषयों पर जांच की मांग। युवाओं ने सौंपा कलेक्टर को ज्ञापन। खबर मध्य प्रदेश के रायसेन की है। जैसे ही बरसात का मौसम आता है तो दुधारू गाय और बछड़े सहित अनेक मवेशी सड़कों पर बैठे हुए दिखाई देने लगते हैं। कारण है कि बरसात के दिनों में पालतू पशु गाय दूध देना लगभग बंद कर देती हैं। जैसे ही ठंड का मौसम आता है तो पशुपालक अपने अपने पशुओं को घरों में बांध देते हैं, क्योंकि वह दूध देने वाली गाय हो जाती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब वह दूध नहीं देती तो पशुपालक उन गायों को आवारा छोड़ देते हैं। न ही इस पर अभी तक प्रशासन कोई लगाम लगा सका है। हालांकि हर बार प्रशासन द्वारा आदेश तो दे दिए जाते हैं, लेकिन अमल नहीं हो पाता है। वहीं कुछ आवारा मवेशियों को लेकर सरकार ने गौशालाएं तो खोली है, लेकिन उनमें रहने और ठहरने की उत्तम व्यवस्था है देखने को कम ही मिल पाती है। विगत दिनों ऐसा ही मामला रायसेन जिले में आया है, जो कि जिला मुख्यालय पर संचालित श्री कृष्ण गौशाला पर विगत दिनों पहले युवा गायों को लेकर पहुंचे तो वहां पर अनियमितताएं देखने को मिली। इसी संबंध में उन्होंने शिकायत करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और जांच कर कार्रवाई करने की बात युवाओं ने कलेक्टर से कही है। रायसेन से संवाददाता राकेश जैन की रिपोर्ट। सिटी जो है वहाँ पर 250 से 300 गाय रखने की, परंतु वहाँ पे हम लोग गए थे इससे पहले, लड़के लोग गाय ले गए थे रात में, जो रोड पे बैठी रहती है मवेशी, तो वो लेके गए थे। उसके बाद उन्होंने ऐसा बोला वहाँ पे कर्मचारियों ने कि हमारे यहाँ पे खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ दिन बाद, एक या दो दिन बाद, उन्होंने न्यूज़ में भी दिया है हमारे पास खाने की उत्तम व्यवस्था है। लेकिन ऐसा है तो फिर वो उसमें अपन को रखने क्यों नहीं दे रहे हैं? आप जब भी जाते हैं 60-70 गाय मिलती है हम लोगों को, उससे ज़्यादा नहीं मिलती है। कौन से गौशाला श्री कृष्ण गौशाला वार्ड नंबर है? क्या नाम रखते हो? मैं दीपक ठाकुर।